सो है गाइस, की हाल चाल है? सब तो बोले सारे वधिया होंगे। बादशाह क्राइंग की वैसे तो मैं देखे हैं कि दिन था, बट रिप्लाई ऑन डिस फॉर योयो हनी सिंह एंड कम बैक काफ़ी चीज़ें उत्ते गलबात की है। ठीक है, वैसे मैं यदा पूरी क्लिप का रिएक्शन पा चुके हैं आकाश को बनाना चाहना था, तो यू कैन सी दे। बाकी योयो जबरा ने की गल की है, कई बार कोई चीज़ होंगी असं मिस कर देने, तो इन्हों को पता होंगे जो कल्ट फैनस ने योयो हनी सिंह के, तो समझ जाते हैं। लेट्स सी। 10-12 साल पहले हुआ था यार, देयर इज नो फ्रेंडशिप, किसी ने जोड़ने की कोशिश ही नहीं करी। जब उनकी हेल्थ बेटर हुई थी मैं गया था उनसे मिलने, रनआउट नहीं हो जाता कोई सेंचुरी बनाने वाला बंदा, वो भाई था मेरा यार। So, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इशो बॉय बॉटशा भाई अपने इंटरव्यूज के अंदर अब सिंपैथी लेने वाले हैं। सो लल्लन टॉप से पहले इशो बॉय बॉटशा के बादशाह बॉटशा गया, पहले उनका अभी एक और इंटरव्यू आ चुका है जिसमें उन्होंने काफी चीजों पे बात करी है, वो क्यों हनी पाजी को डिस करते थे और कम बैक के ऊपर आखिर उनका क्या सोचना है, इन सब पे बात हुई है। यार वो मेरी पर्सनल उसके लिए था, आप अपने हल्का कर रहे थे खुद को। हाँ, मतलब एक चीज़ मैं साथ लेके चल रहा हूँ, जो हुआ था वो 10-12 साल पहले हुआ था यार। 10-12 साल में तो जो प्रॉपर्टी और डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं। तो ये तो एक खुद ही एक मेंटल मैंने वो बना रखा है, हो गया जो हो गया। आई थिंक ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन, आई थिंक उस टाइम बंदा इवॉल्व होता है, हर दिन हर साल हर हफ्ते इवॉल्व होता है। उस टाइम पे जो चीज़ें हुई थी, लेट देम नॉट डिक्टेट मी और माई एक्शंस टूडे, दैट विल बी सो फुलिश। और मैं एक इंसान हूँ, मेरे को रियलाइज हुआ मैंने यार किसी चीज़ का ग्रज नहीं रखा किसी से भी। ये ग्रज क्यों पाल रखी है मैंने, क्यों पाली हुई है, क्यों पाली हुई है लोगों की वजह से। एंड देन आई रियलाइज कि किसी ने जोड़ने की कोशिश ही नहीं करी, किसी ने नहीं करी, किसी ने नहीं करी। शॉर्ट्स इज डिफरेंट, सबलिमिनल शॉर्ट्स इज डिफरेंट, दैट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर, राइट, कि मैं तेरे से बेटर हूँ, वो तो है ही। बट वही गल है ना, इतने मैंने थोड़ा जहा फील होया सी वैसे, वो तो है ही, मतलब वो चीज़ है ना कि मतलब ये वो तो है ही, बैटर तो क्या है, या नॉर्मल सबनिमल शॉट्स जोड़े होंगे ने उन्होंने कह के यदा चलते ही रहता है, ठीक है। बट वही गल है ना कि जिथे भरा प्यार होवे भरा हो, उत्थे सबनिमल शॉट्स भी नहीं होंगे एक दूजे के, सबनिमल शॉट्स भी कितने ना कि उत्थे ही होंगे ने, जिथे अज तक असी तो कल्चर तो ही सीखे जिथे कितने ना कि कंपीटिशन हो, दिमाग से यह लैके चले हो मैं इस तो उपर जाना है, या ये मेरे तो उपर क्यों है, या कोई कंपीटिशन आपस है ना कि शायद वो मेरे तो उपर ना चला जाए, या इदा करके टू give it so much importance is not, you shouldn't do it. You think a fight can end from one side? आपने अपनी तरफ से उसको जाने दिया तो वो बात खत्म हो गई, मेरे लिए खत्म हो गई। अगर लल्लन टॉप में कुछ बोला तो बताऊंगा। मेरे मन में मेरे को नहीं लड़ना मेरे, हाँ, क्योंकि लल्लन टॉप से भी वो कह रहे, लल्लन टॉप वाले ने भी दस्या अच्छ गिप्पी गरेवाल वाले इंटरव्यू या पॉडकास्ट जिन्होंने आप कहने वो दस्या कि कुछ दिनों के बादशाह आ रहे हैं। सो लेट्स सी। मेरे को जवाब नहीं देना, मेरे को तवज्जो नहीं देनी। बट देर इज़ नो फ्रेंडशिप, देर इज़ नो फ्रेंडशिप, इज देर स्कोप फॉर, क्योंकि आप कह रहे थे किसी ने जोड़ने की कोशिश नहीं करी, जोड़ा जा सकता है। ही इज़ अ गुड गाय टू चिल विद, या सही बंदा है। हाँ, आई मीन यू लव टू चिल हिम, तब तो थे, अभी अभी मुझे नहीं पता, बट लाइक वेन वी स्टार्टेड वी यूज टू चिल। अब तो फ्रेंडशिप तो क्या होगी, अब वाइबिंग होती है इस टाइम पे। मुझे नहीं पता कि मैं वो कर पाऊंगा उनके साथ या नहीं, दैट्स। बट हनी भाजी ने सीधे ही कहता ना कि नहीं हो ही नहीं सकता, नॉट अ पॉसिबल, नॉट अ सेकंड, ठीक है। बाकी कोई कह नहीं सकता, फ्यूचर तो किसी को नहीं पता, बिकॉज़ ही इज आल्सो बीन थ्रू सम वेरी चेंजिंग सिचुएशंस। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स गो थ्रू व्हाट ही इज गॉन थ्रू, आई हैव सी पर्सनली आई हैव बीन थ्रू इट, नॉट एज सीवियर एज हिम, बट दैट्स व्हाई। सो जब When he came back into the scene, जब उनकी हेल्थ बेटर हुई थी मैं गया था उनसे मिलने मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में, आई डोंट नो उसकी मैनेजमेंट थी या क्या थी, ही डिडंट मीट मी, लाइक ओके मे बी इज नॉट रेडी। श्योर, पोक भी करना है और मीटअप भी करना है, विच विच जबरा सुना रहे पूरा, मे बी इज नॉट रेडी, बट आई somehow understand the pain. अब he's struggling a little bit. Unfortunate. There is no other term. Injury बनाने वाला बंदा। भाई मैं तो यही देख रहा हूँ कि वो बंदे दे ज़्यादा वो वापस आया इंडस्ट्री में, उधर तो भी उधर गाने 100 million+ ही बैठे ने। कोई गाना होगा जरा कट चले होगा, नहीं तो मोस्टली सारे गाने इन्ने व्यूज तो है ही नहीं। वो फील आती है। सेंचुरी नहीं, डबल सेंचुरी मार दी पाजी ने, जाके ग्लोरी सुन के आ। यार वो सच में भाई था, मतलब यार अब मुझे लगता है कि था,
जो चीज़ें हुई, यू नो, बिकॉज दैट वॉज द होल पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. बट आई थिंक जो टाइम हमने स्पेंड किया बहुत सही था. आई थॉट ही वॉज अ ब्रदर, बट कॉन्फ्लिक्ट ही तो यही था कि भाई की तरह ट्रीट नहीं किया. तूने कौन सा किया कम बैक का मजाक उड़ा के? देखिए वही गल मैं उत्थे कही सी, ठीक है, तुम जाके मेरा जो सुन सकते हो रिएक्शन कई यार. उही गल है ना कि तुम जो थोड़े दिल चे वास्ते कि इज्जत या कुछ हैगी चीज़ तो पोक ही ना करो, ठीक है, फिर वही गल है ना. हाँ, अरे हम ही तो हैं और है कौन, और हम ही थे भाई. हाँ. कौन था? कोलैप्स. राइट, प्रॉब्लम ही तो वही थी और तो प्रॉब्लम ही नहीं थी. और शायद तब उनको ये रियलाइज ना हुआ, उनको शायद लग रहा हो जाएगा. और शुरू भी नहीं, मैंने दुश्मनी कर, ये दुश्मनी थी भी नहीं, खुद ही डेवलप हुई. डेवलप खुद नहीं, तूने करी है भाई. सिंपैथी ली है, लेकिन असली दोगलापन इनका ललन टॉप वाले इंटरव्यू में पता चलेगा, क्योंकि जियान भाई के अभी वाले इंटरव्यू की शूटिंग हनी पाजी के इंटरव्यू से पहले ही हो चुकी थी. ओके. खैर, आपका इस चीज पे क्या सोचना? हाँ, मैंने भी लग रहा थी शायद कि पहला तो शूट हुआ है, पता लगेगा असली चीज की है. हम देखते हैं कि किस साइड तो गल होती है, किमें आती है गल, मतलब बढ़िया तरीके सी. कुछ बादशाह वैसे तो अपने अंदर दल्ल क्लीयर करनी चाहिए. मैं कहूँगा कि जो लोग इस चीज़ इन्वॉल्व हो ही गया तो क्ड के बाहर रख दो. जो हनी भाजी ने गल अपनी क्ड के बाहर रखती है तो भी रख दो, बस. सत श्रीकाल.